हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू कुकिंग ब्लॉग। तो आज मैं बनाऊंगी ब्रेड से दो तरह के सैंडविच, बनाना सैंडविच। तो उसको बनाने के लिए आप ब्रेड को पहले टोस्ट कर लें, या तो टोस्टर में कर लें या फिर तवे पे जैसे मैंने किया है घी डालकर वैसे सेक लें। उसके बाद उस पर स्प्रेड करना है हमें पीनट बटर। तो मैंने घी में सेका है, बच्चे के लिए बना रही हूँ, खुद के लिए भी बना रही हूँ। घी खाते हैं हम लोग जनरली, तो मैंने घी में ब्रेड को सेका है अच्छे से। उसके बाद पीनट बटर उस पर स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस बनाना के काट कर उसे भी स्प्रेड कर लेंगे एक लाइन में, जैसे कि मैं कर रही हूँ। उस तरह से करने के बाद फिर जब वो हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, तो उसके ऊपर हम ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करेंगे हल्का, एंड ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे। इसका जो टेस्ट आएगा ना, मतलब बहुत ही यम आता है। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो ये तो एक इस तरह से बनाया मैंने पीनट बटर के साथ। अब दूसरा बनाऊँगी मैं चॉकलेट के साथ, चॉकलेट स्प्रेड के साथ। तो मैंने लिया ये न्यूटेला का चॉकलेट स्प्रेड। आप लोग जो भी हर्सेज या किसी भी का भी चॉकलेट स्प्रेड यूज़ करते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेड में उसी तरह दोनों साइड चॉकलेट स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, एंड बनाना के स्लाइसेस को उस पर स्प्रेड कर देंगे और एक के ऊपर एक रख देंगे, और हमारा ये चॉकलेट बनाना सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और बच्चे भी इसे बहुत चाव से खाते हैं। तो आप लोग इस मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और बच्चे को ज़रूर दें, वो यम्मी यम्मी उन्हें लगेगा और वो खाएंगे भी और लंच बॉक्स भी फिनिश होगा। तो ये देखिए मैंने दो तरह के सैंडविच आज बनाए हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।